हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। अब मैं आपको एक छोटे बच्चे का इंद्रा बनाना बताऊंगी, वो किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए आप जो है साइज है 0 नंबर से लेकर 6 महीने तक के लिए। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो है मतलब हम ऊन लेकर आएंगे, और ऊन लाने के बाद उसमें हम पहले फंदे डालेंगे। फंदे हमें कितने डालने हैं, 50 फंदे डालेंगे हम। 50 फंदे। जैसे अब मैं आपको डिजाइन वाला फंदा बनाना बताती हूँ। डिजाइन वाला फंदा ऐसे डाल करके ये ऐसे फंदा बनाओ, और इस तरह से ये इस तरह से 50 फंदे आपको डालने हैं। तो ऐसे करके फिर ये ऐसे करो, फिर ये ऐसे कर लो इस पर, और ये फंदा दोनों खींच दो। तो पहले हमें 50 फंदे डालने, देखो ध्यान से देखो पहले फंदा हमें कैसे डालना है। इसको ऐसे लिया, ऊपर से ऐसे डाला, इसको ऐसे करा, और दूसरी बार में हमें अंगूठे पैसे लेकर के और ये ऐसे लिया, और इसको इस पे से उतार दिया। ये हमारे जोड़े बन जाएंगे इस तरह से। तो हमें ये डिजाइन वाले फंदे डालने हैं। आप सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं, और आप डिजाइन वाले फंदे डालना चाहें तो डिजाइन वाले फंदे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डिजाइन वाले फंदे डाल करके आपको छोटे बच्चे का आपको इनर बनाना बता रही हूँ, किस तरह से इनर बनाया जाता है। अब इसको ये मुझे 50 फंदे डालने हैं। देखो किस तरह से मैं 50 फंदे डाल करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये मैंने मेरे 50 फंदे पड़ चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 25 है 25 जोड़े हैं। तो 50 फंदे मेरे हो गए। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक सिलाई सीधी बुनूंगी। इसको एक सिलाई सीधी बुन के फिर बताती हूँ आप। मेरे ये पहली सिलाई पूरी सादा बुन ली, सीधी सीधी बुन ली मैंने। अब हम पहली सिलाई सादा बुनने के बाद हम अब जो है इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम जो 8 सिलाइयों का, ये सिलाई है कि 7 सिलाइयों बना के 8 सिलाइयों का हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। एक सीधा, एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह हम जो है 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। ये सादा सिलाई भी इसमें गिन लेंगे कैसे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हमें जो है 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। अब मैं आपको 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बॉर्डर बना लिया 8 सिलाइयों का। अब मैं इस पे 6 सिलाइयां सादा डालूंगी, उसके बाद 2 सिलाइयां बुनाई की डालूंगी, फिर 6 सिलाइयां सादा डालूंगी, फिर 2 सिलाइयां बुनाई की। इस तरह से पढ़ते हुए बुनाई की जो है मैं 5 पट्टियां डालनी है मुझे, ठीक है। इतना बुन के बताती हूँ, पहले 6 सिलाइयां आपको डाल के दिखाती हूँ, उसके बाद डिजाइन डालूंगी। ये मैंने बॉर्डर के बाद 6 सिलाइयां डाल ली। अब 6 सिलाइयों के बाद, अब जैसे ये मैंने बॉर्डर के बाद 6 सिलाइयां हैं, उसके बाद ये 2 सिलाइयों का डिजाइन है। अब मैं आपको ये डिजाइन डालना सिखाऊंगी, किस किस तरह से डिजाइन पड़ेगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा तो ऐसे उतार लें आप, ठीक। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा फिर उल्टा,
ये फंदा सीधा, इस तरह से आप इसकी जो है पूरी सिलाई उतार लें, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अब मैं आपको ये पूरी सिलाई उतार के दिखाती हूँ। अभी देखिएगा ये मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है, ये फंदा सीधा और ये फंदा उल्टा, पूरी सिलाई इस तरह से मुझे मैंने बनाई है। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसे अब दूसरी सिलाई जो है जो सीधा फंदा है उसको उल्टा करना है, जो उल्टा फंदा है उसको सीधा करना है। ये पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, जैसे ये उल्टा फंदा आया है, देखो उल्टे फंदे पे हम जो है ये सीधा बुनेंगे उल्टी तरफ से और सीधे पे। अब ये सीधा फंदा है, ये बी वाला जो बी बना हुआ होता है ये सीधा फंदा होता है, तो हम सीधे पे जो है उल्टा बुनेंगे और उल्टी उल्टे फंदे पे सीधा फंदा बुनेंगे, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा, इस तरह से हम जो है पूरी सिलाई बनाते हैं। तो ये आपको फिर डिजाइन समझ आ जाए, ये पूरी सिलाई हमको इस तरह से उतारनी है। तो मैं उतार के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ये एक जो है डिजाइन वाली एक लाइन डाल दी है, छह सिलाइयाँ सादी और दो सिलाई जो है डिजाइन की हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा और उल्टे सिलाई पे भी जो सीधा है उस पर उल्टा करना है, जो उल्टा है उस पर सीधा करना है। इस तरह से हमें जो है पूरा बना दो सिलाई डालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद हमें छह सिलाइयाँ सीधी बनानी है, दो सिलाइयाँ फिर डिजाइन डालनी है, फिर उसके बाद फिर छह सिलाइयाँ सीधी बनानी है, फिर दो सिलाइयाँ मतलब छह सिलाइयाँ सादा बनानी है, उल्टी सीधी करके जिस मतलब बनानी है, उसके बाद दो सिलाइयाँ डिजाइन डालनी है, फिर छह सिलाइयाँ सादा बनानी है, फिर छह सिलाई। इस तरह से हमें ये डिजाइन वाली पट्टियाँ जो है हमें पांच पट्टियाँ डालनी है डिजाइन वाली पांच पट्टियाँ करके ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये पांच धाई डालनी है, एक दो तीन चार पाँच, पांच दोनों में पांच बराबर हो गई, एक दो तीन चार पाँच, पांच धारी डालने के बाद डिजाइन वाली फिर मैंने जो है छह सिलाइयाँ डाली हैं इसमें। अब छह सिलाइयों के बाद अब मैं एक फंदा इधर से कटाऊंगी, एक फंदा इधर से कटाऊंगी, फिर मतलब और पूरी एक फंदा इधर से कटा के पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी, फिर इधर से फंदा कटाऊंगी पूरी सिलाई इधर उल्टी बुनूंगी, फिर इधर से फंदा कटाऊंगी पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी। इस तरह से मैं पाँच धारी डालूंगी, पाँच धारी मतलब एक दो तीन चार पाँच, ये पांच धारी डाल के और एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाती जाऊंगी। ये मैं आप करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ दो का एक करा और पूरी सिलाई उल्टी कर रही हूँ, और पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद किनारे पे भी मैं दो का एक कर दूंगी। ये पूरी सिलाई में करने के बाद तब बताती हूँ आपको। मेरी ये सिलाई पूरी हो गई, अब मैं सिलाई को पलट करके फिर दो का एक करूँगी और दो का एक करके फिर इसको फिर उल्टा बुनूंगी। दो का एक कर दिया और दो का एक करने के बाद फिर इसको उल्टा बुनूंगी, इस तरह से पूरी सिलाई करती जाऊँगी। फिर मैं ये क्या करना है, एक फंदा इधर घटाना, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर घटाना, एक फंदा इधर, दोनों तरफ से मुझे एक ही फंदा करना है। इस तरह से मुझे पांच सिलाई है धारियाँ वाला लेनी है। मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ। अब ये पांच धारी बन गई, एक दो तीन चार पांच। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से ये दो का एक करने के बाद दस फंदे पट्टी पर रोकेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात एक आठ एक नौ और ये दस, दस फंदे हमने पट्टी पर होंगे, दो चार छः दो चार दस। अब क्या करेंगे, ये दो का एक करेंगे, ध्यान से देखना, दो का एक करा फिर फंदा इसमें डाल दिया, फिर दो का एक करा फिर फंदा इसमें डाल दिया, फिर दो का एक करा फिर फंदा इसमें डाल दिया। इस तरह से हमें दस फंदे रोकने हैं और बाकी सब फंदे गले के लिए
घटा देने हैं। अब मैं आपको घटा कर दिखाती हूँ किस तरह से हो जाएंगे। अब मैंने ये गले के फंदे घटा दिए। अब क्या करूँगी, अब इधर 10 फंदों की 10 लाइनें बनाऊंगी, 12 लाइनें, और इधर 10 फंदों की 12 लाइनें बनाऊंगी। ये इस तरह से बननी है। पहले ये तक पूरी करती हूँ और पूरी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी होंगी। आपको फंदा घटाना नहीं है, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। अब मुझे इस तरह से करना है। ये पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। किनारे का फंदा ऐसे उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। दोनों तरफ से किनारे वाला फंदा इसी तरह से उतार लेना है। ऐसे उतारा और ऐसे बना लिया। इसको बुनना नहीं है किनारे वाला फंदा। अब मैं ये दोनों तरफ ये पट्टी बना के दिखाती हूँ इस तरह की। जैसे ये पट्टी आई है, इसमें 12 लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों तरफ से 12 लाइनें हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने ये दोनों पर्दे बना लिए हैं। अब मैं ये आपको जोड़ के दिखाऊंगी इसको जोड़ना कैसे, इनके कंधों को कैसे जोड़ना है। अब ये 11 सलाइयों की पट्टी बना ली है मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ से मुद्दे से ऊपर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो सब में ये 5 सिलाइयाँ गले की, ऊपर से 11 सिलाइयाँ चारों पट्टियों में कर ली हैं। अब इनको जोड़ना कैसा है, ये सीधा है, सीधे पे सीधा रख देंगे इस तरह से। सीधे पे सीधा रख के हम इसको इनकी पट्टियों को जोड़ेंगे। जैसे फंदों को हम ठीक कर लेंगे जरा। जैसे ये सिरे पे सीधा है, जैसे हमने एक फंदा हमने इसका ले लिया इस कंधे का, एक फंदा हमने इस वाले कंधे का ले लिया। इस पट्टी में से लेंगे एक फंदा हम उस वाली पट्टी में से लेंगे और एक फंदा हम इस वाली पट्टी में से लेंगे। अब इसमें से लेंगे एक फंदा, एक इधर से लेंगे इस सिलाई में से फंदा, और एक इस सिलाई में से लेंगे। एक इस सिलाई में से लेंगे, एक इसमें से, दोनों सिलाइयों में से हम एक ही फंदे, एक इस सारी सिलाई में से, एक इस सारी सिलाई में से, एक इसमें से, हम ये दोनों सिलाई में से एक ही फंदा लेंगे। एक इसमें से और एक इसमें से, ये मैंने सारे फंदे एक सिलाई में कर लिए। ठीक, अब ये इस तरह से, अब मैं इसको कैसे बंद करना अभी बतला। ये मैंने दोनों पट्टी के फंदे एक सिलाई में कर लिए। एक फंदा इसका लिया, एक फंदा इस पट्टी का, एक फंदा इस पट्टी का, एक फंदा इस पट्टी का, इस तरह मैंने ये फंदे इसमें आपस में मिला लिए। अब ये दो फंदों का, ये दो फंदों का, ये दो फंदे हैं, दो फंदों का मुझे एक करना है।
इस तरह से, ठीक। फिर दो फंदों का एक करना है, फिर दो फंदे लिए, इसको दो का एक करा और पीछे वाले फंदे को इस तरह से उतार दिया। फिर ये दो का एक करना है और फिर पीछे वाले फंदे को उतार देना है। फिर दो का एक करना है और पीछे वाले फंदे को उतार देना है, ऐसे पीछे फंदे। फिर दो का एक करा, इस तरह से ना पूरा करना है। दूसरी पट्टी भी करके मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये स्वेटर बुन के तैयार होगा, ठीक है। दोनों कंधे जोड़ कर दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद ये स्वेटर मेरा ऐसा लग रहा है, और इसमें मैंने थोड़ी सी रेड कलर से डिजाइन बना लिया उसको मैंने, कि छोटे बच्चों का सुंदर लगता है। अब ये देखिएगा, ये हमारा स्वेटर इस तरह से बनके तैयार हो।